हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज यूपीपीसीएस ने जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और उसको उम्मीद करता हूं कि आप सबका बहुत अच्छा गया होगा। तो हिस्ट्री वाला जो एग्ज़ाम है उसका आंसर की हम लोग लेके आए हैं। इसके बाद और भी एग्ज़ामों के आंसर की हम अपडेट कर देंगे। तो इसमें जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं 40 क्वेश्चन, वो सभी के सभी में कॉमन होंगे और जो बाद के 80 क्वेश्चन हैं वो हिस्ट्री वाले पार्ट के होंगे। तो जो 40 क्वेश्चन हैं आप लोगों के, वो हर कोई एग्ज़ाम वाला इससे मिला सकता है और बाकी के 80 क्वेश्चन ये हिस्ट्री वाले पार्ट के हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साल्ट टॉलरेंट क्रॉप? कौन सी फसल इसमें से लवण सहिष्णु है? तो इसका आंसर हो गया आपका चुकंदर। ठीक है, आपकी चुकंदर ऐसी फसल है जो कि लवण सहिष्णु होगी। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप इज नोन एज, खड़ी हुई फसल की कटाई करने से पहले वो फसल की बुआई करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर है आपका रिले खेती। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कौन सी देश में से भूमध्य रेखा पास नहीं होती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका डी, जाम्बिया। केनिया से, युगांडा से और गैबोन से आपकी भूमध्य रेखा पास होती है। ठीक है, किस किस देश से होती है पास? 13 देशों से पास होती है, आपके जाम्बिया से ये पास नहीं होती है। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? किस संस्था के द्वारा म्यूचुअल फंड्स विनियमित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका सेबी के द्वारा, सेबी इसको विनियमित करती है। ठीक है, फिर आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? अभी हाल ही फिलहाल में जुलाई 21 में आरबीआई ने बहुत सारी बैंकों पर जो लॉ है इसके आरबीआई के, उसको तोड़ने की वजह से जुर्माना लगाया है, तो वो कितनी है उसकी संख्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। ये करंट का ही क्वेश्चन है आपका। फिर इसके बाद आते हैं आपके छठे क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जो आपके यहाँ के फोक डांसेस हैं उनका पता होना चाहिए था, ये यूपी से ही क्वेश्चन आया है। तो इसका सही जवाब है आपका जैता। जैता आपका लोक नृत्य है यूपी का, और यहाँ के कुछ और भी जो लोक नृत्य हैं वो हैं आपके नौटंकी, रासलीला, झोरा, चपेली, इस तरीके से हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके सातवें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको इस एक तरफ संख्या दी हुई है राज्यसभा की सीटों की और एक तरफ राज्य दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा असम। असम में 6 सीटें नहीं है, यहाँ पे सीटें हैं आपकी 7। ठीक है, यहाँ पे 6 सीटें नहीं है, यहाँ पे हैं 7। छत्तीसगढ़ में एकदम सही है 5, हिमाचल प्रदेश में 3 और उत्तर प्रदेश में 31। इसके बाद आते हैं आपके आठवें क्वेश्चन पर, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जब कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उसके जो गवर्नर था वहां का वो कौन था, वहां का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा आपका राज्यपाल। इसका राजपाल भी नाम है यहाँ पे, लेकिन लिखा गया है राज्यपाल, तो इसका सही आंसर होगा राजपाल, और ये प्रतिहार वंश का था। ठीक है, फिर आते हैं नौवे क्वेश्चन पर, सौर ऊर्जा का कारण है, जो सोलर एनर्जी है वो किसकी वजह से होती है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो इसका सही जवाब होगा फ्यूजन की वजह से, आपका पहला ही इसका सही जवाब होगा संलयन की वजह से, इसमें हाइड्रोजन आइटम्स एक साथ जुड़ जाते हैं। फिर दसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठन
नहीं है। कौन सा ऐसा संगठन नहीं है जो कि भारत निर्माण योजना के तहत है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका सी। ग्रामीण उद्योग इसके तहत नहीं आते हैं। इसमें ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति आती है। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज-ए-हिंद कहा जाता था? सिराज-ए-हिंद यूपी के किस जनपद को कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है जौनपुर। ये सारे के सारे बच्चों को अधिकतर पता होगा कि जौनपुर को सिराज-ए-हिंद कहा जाता था। फिर आते हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन है वो कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपके वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री आपकी जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन हैं। ठीक है, 13वें क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो 13वें क्वेश्चन का आंसर अभी एग्जैक्ट नहीं पता चला है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। 14वां क्वेश्चन जो है आपका, 14th क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आज की डेट में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और ये 12वें वित्त आयोग का क्वेश्चन यहाँ पे पूछना बहुत ज्यादा टफ कर देता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चों को 15वां आयोग के जो हेड हैं उनका नाम पता होगा, लेकिन इस टाइम जो अध्यक्ष थे 12वें वित्त आयोग के वो थे आपके सी रंगराजन। ठीक है, सी रंगराजन इसके अध्यक्ष थे। और आज की डेट में जो 15वां वित्त आयोग है उसके जो हैं एनके सिंह। ठीक है, उसके कौन हैं? उसके हैं आपके एनके सिंह। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पर, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वॉज फर्स्टली पुट बाय जो आपका पारिस्थिति तंत्र की अवधारणा है वो पहली बार किसके द्वारा दी गई? इकोसिस्टम का पहला ही क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट जब स्टार्ट करते हैं उसका पहला क्वेश्चन है कि जो इकोसिस्टम की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई? तो इसका सही आंसर होगा सी, एजी टांसले के द्वारा ये दी गई। आपका 16वां क्वेश्चन, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? जो बाणभट्ट की बुक है हर्षचरित, उसमें मौर्यकालीन किस शासक का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है बृहदर्थ। ठीक है, बृहदर्थ के बारे में उन्होंने बताया है कि उनका जिक्र किया, उनकी पॉलिसीज के बारे में बताया है। 17वें क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो हुलास, देवसरपुर, आलमगीर, मांडी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा देसलपुर, क्योंकि देसलपुर पड़ता है आपका कहाँ पे? गुजरात में। वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है देसलपुर। फिर आते हैं 18वें क्वेश्चन पर, 18वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? ये पूछ रहा है कौन सी एसटी ट्राइब्स जो है वो वाराणसी जनपद में नहीं मिलती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सहरिया। सहरिया ललितपुर एरिया में पड़ती है। आप ये देखिए कि जो आपका यूपी है, तो यूपी के इस एरिया में सहरिया मिलती है। ये एरिया जो कि ललितपुर का है उस एरिया में सहरिया जनजाति मिलती है। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा मंदिर जो गुप्तकालीन है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपके यूपी में पड़ता है। और ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है आपके ललितपुर में, इसी एरिया में पड़ता है आपका ये भी दशावतार मंदिर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? आपका 20वां क्वेश्चन है कि कौन से एरिया में जो मोटा अनाज है उसकी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ए। ठीक है,
इसका जवाब होगा आपका ए। अपलैंड एरिया में इसकी जो फसल की जाती है वो ऊपरी क्षेत्र में की जाती है। फिर 21वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? जब राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उसमें सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया कि आप भी ज्वाइन कीजिए? तो इसका सही जवाब है आपका एम के गांधी और चितरंजन दास ने। ठीक है, डी आंसर इसका सही होगा कि गांधी जी ने और चितरंजन दास जी ने इनको बोला कि आप भी कांग्रेस को ज्वाइन कीजिए। फिर आते हैं 22वें क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, जो मोरों का संरक्षण केंद्र है, वो किस जनपद में स्थित है? मोरों का जो संरक्षण किया जा रहा है वो कौन से जनपद में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो गया वृंदावन, मथुरा में किया जा रहा है। मथुरा में मोर मुकुट जो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं उनकी नगरी में किया जा रहा है। फिर आते हैं 23वें क्वेश्चन पर, 23वां क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है, इसको अभी रोक देते हैं। फिर आते हैं 24वें क्वेश्चन पर, 24वां क्वेश्चन आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? अगर किसी विधेयक को जो भी है उसको विधान परिषद अगर रोकना चाहे तो कितने दिन तक रोक सकती है? तो इसका सही जवाब हो गया बी, 14 दिन तक मैक्सिमम रोक सकती है। फिर 25वां क्वेश्चन है आपका, सूची एक सूची दो को दोनों को मतलब सुमेलित कीजिए और कूट में सही आंसर दीजिए। एक तरफ खनिज दे रखे हैं, एक तरफ आपकी खदान दे रखी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, लोहे को मिला दीजिए आप ईटा वीरा से, फिर मैग्नीज को मिला दीजिए आप चितूरा से, फिर आप तांबे को मिला दीजिए सडबरी से, और बॉक्साइट को मिला दीजिए आप बाईपास से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का 1। आपका 26वां क्वेश्चन है, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है, जो इनइक्वेलिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट 2021 आई है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, ऑक्सफेम के द्वारा वो रिपोर्ट जारी की जाती है, ऑक्सफेम ने वो रिपोर्ट जारी की है। फिर इसके बाद आते हैं 27वें क्वेश्चन पे, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों के साथ पेंशन भोगी बना? अंग्रेजों के साथ किसने ऐसी ट्रीटी की जिसके साथ उसे पेंशन पे रखा गया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम इसने पेंशन भोगी ये व्यक्ति बना था जिसने पेंशन ली थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और बार डिस्प्यूट में रखते हैं क्योंकि अकबर द्वितीय ने भी पेंशन ली थी, इसको अभी रोक लेते हैं। फिर आते हैं 28वें क्वेश्चन पर, 28वां क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें यूपी का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल आता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, 7.33% ऑफ इंडिया यूपी कवर करता है। ठीक है, फिर आते हैं 29वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ताप विद्युत ग्रह दे रखे हैं, एक तरफ राज्य दे रखे हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते वो करते हैं डी, गडर वाला आपका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है ना कि आंध्र प्रदेश में। इसका सही जवाब हो जाएगा एमपी में करता है ना कि आंध्र प्रदेश में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 30वां क्वेश्चन कहता है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जो खासी जनजाति थी जो उनका नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम क्या नाम था? तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा आपका ए, तिरोत सिंह उनका नेतृत्व कर रहे थे खासी विद्रोह का, तिरोत सिंह। ठीक है, फिर 31वां क्वेश्चन जो है आपका है वो आता है पॉलिटी से, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है?
जो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन से जोड़ा गया, तो कौन सी कमेटी की सिफारिशों पे उसे जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, सी ऑप्शन। फिर 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? प्रमुख पूछा है, उद्योग कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य उद्योग है वो कौन सा नहीं है? तो इसका अभी एग्जैक्ट आंसर देना मुश्किल है, क्योंकि कहीं कहीं पर कोई ना कोई उसकी फैक्ट्री है, लेकिन बेसिकली अगर इसका आंसर देखा जाएगा तो ए या डी में से ही होना चाहिए, लेकिन हम अभी आपका इसको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं, इसको हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। फिर 33वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव में 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें से सम्मिलित नहीं है? जो कि इस साल का बजट आया है 2021-22 का, उसमें 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें से एक सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, इस बात पे चर्चा नहीं की गई है, बाकी के आपके 6 पॉइंट्स जो हैं उनमें से 3 पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं। फिर आते हैं आपके 34वें क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? जो आपके एडवोकेट जनरल हैं उनकी यूपी में किस आर्टिकल के बिहाफ पे अपॉइंट किए जाते हैं? तो वो उसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 165, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं 35वें क्वेश्चन पर, वो है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? यूपी का कौन सा शहर ऐसा है जो कि इस साल की रिपोर्ट में जीडीपी के मामले में सबसे ऊपर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा। 36वां क्वेश्चन है, हड़प्पाई पुरा स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? बनावली सबसे पहली बात हरियाणा में पड़ता है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घग्गर, मतलब सरस्वती नदी के किनारे। फिर आते हैं 37वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद राज्य के निर्देशित करता है कि वो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है 43A। इसका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि डीपीएसपी में 43A आर्टिकल ये कहता है कि आपके जो उद्योग हैं उसके मैनेजमेंट में आप वहां के वर्कर्स को भी रखें। फिर आते हैं 38th क्वेश्चन पर, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो बैंकों से रिलेटेड है कि कौन सी समिति का गठन किया गया उसमें सुधार के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, गोईपोरिया समिति। ये बात कहती थी कि बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार किया जाना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। फिर आते हैं 39th क्वेश्चन पे, शब्दों के विषम युग्म को चुने, अलग अलग जो है उसके विषम युग्म को चुनना है आपको, तो इसका 39th का आंसर हो जाएगा ए, मृत्यु। ये जरूरी नहीं है कि हर रोग की वजह से मृत्यु हो जाए, लेकिन अंगूर से शराब बनती है, दूध से मक्खन बनता है, पानी से ऑक्सीजन मिलती है, तो इसका जरूरी नहीं है कि मृत्यु रोग से ही हो, मृत्यु बहुत तरीके से हो सकती है। फिर आता है 40वें क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, फसल बीमा योजना पीएम फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी आपकी फरवरी 2016 में की गई थी, ना कि 2015-17 में। फिर आते हैं आपके 41वां क्वेश्चन, और यहां से अब हिस्ट्री का पार्ट शुरू हो जाता है, बंगाल के किस शासक ने कहा था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया गया तो समुद्र में आग लग जाएगी? इसका कोटेशन अभी सही आंसर नहीं मिला है, क्योंकि एक कोटेशन और भी बोला जाता है जो कि आपके अलीवर्दी खान ने बोला था कि बंगाल में जो अंग्रेज हैं उनको रहने दीजिए आराम से, क्योंकि अंग्रेज उस मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, अगर उनको छेड़ोगे तो आप उनके डंक से नहीं बच पाओगे। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो अलीवर्दी खान होगा इसका आंसर, लेकिन अभी हम इसको रोकते हैं। फिर आते हैं आप, निम्नलिखित राष्ट्रकूट
शासकों में से किसने धर्म के दिगंबर संप्रदाय के आधार उदारता पूर्वक संरक्षण दिया? 42 वाला जो क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने दिगंबर संप्रदाय को संरक्षण दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अमोघ वर्ष ने दिया था, ना कि इंद्र या राजा धीराज ने। अमोघ वर्ष का आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 43 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित सिख गुरुओं के कार्यकाल जो रहा है उस पर विचार करें और उनको ऑर्डर में लगाएं, ठीक है। फिर इसमें आप देखिए, अमरदास हैं, अंगद जी हैं, रामदास जी हैं, अर्जुन देव जी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 जो गुरु हैं सिख गुरु, उनके बारे में कहीं ना कहीं पूछता ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। सबसे पहले आप अंगद रखिए, फिर अमरदास जी रखिए, फिर आप रामदास जी रखिए, और फिर सबसे एंड में अर्जुन देव जी को रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर आते हैं 44वें क्वेश्चन पे। महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तीर्थक्रम जो हैं और सांस्कृतिक चरणों की पहचान कीजिए। तो इसका जो जवाब है वो किसने की है पहचान, वो की है आपके जे एल वर्किंग गंटन ने की है। जे एल वर्किंग गंटन ने ये इसके पूरे 5 स्पष्ट तीर्थांकनों की जांच की है, ठीक है। फिर आते हैं 45वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। फिर एक तरफ इमारत दे रखी है, एक तरफ निर्माण जिन्होंने कराया उनका नाम दे रखा है। तो 45 का जो सही जवाब होगा वो लाल महल बलवन ने नहीं कराया, लाल महल बलवन ने नहीं कराया है, ये कराया है शाहजी भोसले जी के द्वारा। ये किसके द्वारा कराया गया है, शाहजी भोसले, ठीक है। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 46 नंबर पे। अमीर खुसरे के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था? अमीर खुसरे के हिसाब से किस ऐसा कौन सा ऐसा ज्योतिषी था जिन्होंने बनारस में 10 साल रहकर स्टडी की थी ज्योतिषी की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अबू माशर, ठीक है। फिर आते हैं 47वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनंदपाल। आनंदपाल वो शासक था जिन्होंने महमूद गजनवी के खिलाफ भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है? ऐसा कौन सा फ्रांसीसी यात्री था जिसने भारत के काशी को भारत का एशेंस कहा है, एथेंस कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बर्नियर, ना कि मनुची। इसका सही आंसर हो जाएगा बर्नियर। ये वो फ्रांसीसी व्यक्ति था, यात्री था, जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा। 49th क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था? फिर से पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है और ये है आपका 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के बिहाफ पर। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा कि 1935 के एक्ट के बिहाफ पर इसको समाप्त कर दिया गया था। फिर आते हैं 50वें क्वेश्चन पर। सूची 1 और सूची 2 बेगम, अगहा, अगचा, ख्वाजा सर, ये एक तरफ दिए हुए हैं और ये क्या होते थे इनके बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम रोकते हैं क्योंकि इसका सही जवाब अभी नहीं मिला है, इसमें बहुत डिस्प्यूट है, तो इसको अभी हम रोकते हैं। 51 क्वेश्चन। किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया था? महादारी जो पॉलिसी थी उसको किसने एडॉप्ट किया था अपने जो ऑफिसर्स थे उनके जो सिपाही थे उनको देने के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह ने अपनी फौज के जो ऑफिसर्स थे उनको मेहदारी पद्धति के हिसाब से पेंशन वेतन देना स्टार्ट किया था। फिर आते हैं 52वें क्वेश्चन पर। नाम लिगा अनुशासन नामक ग्रंथ, नाम लिगा अनुशासन ग्रंथ कौन से लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है आपका सी, अमर सिंह के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। फिर आते हैं 53 क्वेश्चन पे। मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? जब जहांगीर यहाँ के बादशाह थे आगरा के, तो कौन डच फैक्ट्री का हेड था,
हेड कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेल्सट। फ्रांसिस्को पेल्सट इसके हेड थे। ठीक है, फिर आते हैं 54 क्वेश्चन पर। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल होता है कौन सा? स्थल झील के किनारे बसा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 54 का ए आंसर हो जाएगा, चिरांद था। ठीक है, चिरांद होता था। फिर आते हैं 55 पे क्वेश्चन पे, 55 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? चोल शासक जिसने मालदीव को भी जीता, वो कौन शासक था फर्स्ट टाइम जिसने जीता? तो उसका नाम था राज राज फर्स्ट। राज राज फर्स्ट ने पहली बार मालदीव्स को जीता था। ठीक है, फिर आते हैं 56वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इसमें गलत है, ये 1929 में भारत आई थी, ना कि 1928 में। ठीक है, ये 1929 में भारत आई थी, ना कि 1928 में। फिर आते हैं 57 क्वेश्चन पर, श्लेष द्वियार्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है, जो श्लेष है वो जो मध्यकाल है उसका ग्रंथ है कौन से टाइम का? ठीक है, तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचरित। रामचरितमानस किसके टाइम लिखी गई है? मध्यकाल में, मुगल्स के टाइम लिखी गई है, अकबर जी के टाइम लिखी है, और ये तुलसीदास जी ने लिखी थी। फिर आते हैं 58 क्वेश्चन पे, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? एडिटर ऑफ वॉइस ऑफ इंडिया कौन थे? 58 क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से दो तीन संपादक दिए जाते थे, तो उसका अभी आंसर हम कमेंट बॉक्स में थोड़ी देर में दे देंगे, तो इसका सही आंसर आप उससे लगा लीजिएगा। फिर आते हैं 59th क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा इससे सही संबंधित नहीं है? तो एक तरफ संगठन दे रखे हैं, एक तरफ उनके व्यक्ति दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये ज्योतिबा फुले की नहीं थी, ये अंबेडकर जी की थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आते हैं आपके 60वें क्वेश्चन पर, तो 60वां क्वेश्चन है आपका कि अकबर की विजयों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार लगाइए। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं। सबसे पहले है आपकी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आपकी फर्स्ट हो गई कब? 1573 में हो गई बलूचिस्तान। फिर आते हैं आप उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो विजय है वो है 75 की, 1575 हो गई उड़ीसा, उड़ीसा हो गई, ये हो गया बलूचिस्तान। फिर आते हैं आप सिंध, वो है आपकी 95, सिंध हो गई थर्ड नंबर पर, ये हो गई सिंध 95 में। और सबसे एंड में हो गई आपकी कांधार 1605, थर्ड नंबर की हो गई 1605, और यही एक एकमात्र बनना था ऑप्शन, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, फिर आते हैं 61, क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूं? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूं। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपयुक्त कथन किसने कहा है ना? तो इसके बारे में अभी चीजें बताना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत देखने के बाद मिलेंगे, तो इसका बेसिकली आंसर अगर देखा जाएगा तो स्टेटमेंट में आपके कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो ये एक दो क्वेश्चन हैं जो कि अभी नहीं मिले हैं, उनका आंसर हमारी टीम भी खोज रही है, तो इसको देखा जाएगा। फिर आते हैं 62 क्वेश्चन पे, किन शासकों के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण होती थी? जो धार्मिक उपाधियां होती थी वो कौन से शासकों के सिक्कों पर उत्कीर्ण की जाती थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, इसका आंसर है कुषाण। कुषाणों के जो सिक्के होते थे उन पर धार्मिक उपाधियां उत्कीर्ण की जाती थी। ठीक है, फिर आते हैं आपके 63 क्वेश्चंस पर, के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
तो कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना, तो ये एकदम सही बात है। इसी को बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, और ये कब हुआ है, 1540 में हुआ है ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि मतलब हुमायूं यहाँ से चला गया था, और उसका एक भाई था जो कि आपका काबुल में शासन कर रहा था, कामरान, ठीक है। तो इसके बाद कहा जा सकता है कि हुमायूं यहाँ से भाग गया था, तो ये बात एकदम सत्य है। फिर उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया, 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो कि सीधे नियंत्रण में थी। इस बात का भी हम कोई नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक उसने ग्रांटन रोड का निर्माण कराया था, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। फिर आते हैं आपके 64th क्वेश्चन पे, त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है, यहाँ पूछा है कौन सा युग्म सही है, तो मिहिर भोज, ध्रुव, धर्मपाल, तो ये युग्म एकदम सही हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये तीनों त्रिपक्षीय से ही थे, एक दो और तीन, ठीक है, ये तीनों अलग अलग ग्रुप से थे, तो ये एकदम सही है, तो इसका सही आंसर है डी। फिर आते हैं 65th क्वेश्चन पर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसको सही कालक्रम के हिसाब से सेट कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, मद्रास महाजन सभा। इसमें आप देखिएगा 65 क्वेश्चन में, ये हमने अपनी हिस्ट्री की क्लास में जो पहली क्लास है आपके की, जो कांग्रेस की सभाओं के गठन से पहले कौन कौन सी गठा स्थापित हो चुकी थी, गठन हो चुका था, उनके बारे में पूरी क्लास है, वहां से आप देखिए, इसका लिंक मिल जाएगा आपको क्लास में, पूरा बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। तो 65 का आंसर है आपका सी, ठीक है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर उसके बाद आपका पूना सार्वजनिक सभा, फिर उसके बाद आपका मद्रास महाजन सभा, और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। फिर आते हैं आपके 66th क्वेश्चन पे, जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है, 1916 में यह घोषणा किसने की। तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसके बारे में अभी हम आंसर नहीं देंगे, इसके बारे में जब एकदम श्योर हो जाएंगे तब हम इसका आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में आपको कर देंगे, ठीक है। फिर आते हैं 67th क्वेश्चन पर, भारत में सती प्रथा समाप्त की गई कब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 दिसंबर 1829 में विलियम वेंटिंग के द्वारा, ठीक है। फिर आते हैं 68th क्वेश्चन पर, पुलकेश्वर द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है, कौन से ग्रंथ की, शब्दावतार व्याकरण ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गंगराज, गंगराज दुगुनीत ने इसकी रचना की है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, गंगराज ने इसकी रचना की है। फिर आते हैं आपके 69th क्वेश्चन पर, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन सा सेनापति था जिसकी मंगोलों के खिलाफ लड़ाई करते हुए मृत्यु हो गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जफर खां, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, जफर खां की मृत्यु मंगोलों के खिलाफ युद्ध में हुई थी। फिर आते हैं 70वें क्वेश्चन पर, तो 70वां क्वेश्चन है आपका, महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काल अशोक का पुत्र नहीं था, महाबोधि वंश के अनुसार कौन सा एक इनमें से काल अशोक का पुत्र नहीं था, तो इसका नाम हो जाएगा उग्रसेन, उग्रसेन को वो काल अशोक का बेटा नहीं मानते, ठीक है। फिर आते हैं आपके 71th क्वेश्चन पर, कुटिल लिपि के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, कुटिल लिपि को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है आपका सिद्धमातृका लिपि के द्वारा, ठीक है, इसका बी हो जाएगा आंसर। फिर आते हैं 72 क्वेश्चन पे, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा आर, उसका कारण है, पहला कथन, जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया, एकदम सही बात है। फिर दूसरा कारण क्या कहते हैं, दोनों में जीवों की हिंसा होती है,
तो एकदम सही बात है, ये दोनों ही एक दूसरे की बात फॉलो करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर आते हैं क्यों। क्योंकि जैनिज्म में माना जाता है कि आप किसी की मृत्यु या किसी की हत्या नहीं करेंगे। फिर आते हैं 73। फिर 73 में क्वेश्चन है आपका, राजस्व यज्ञ के समय ऋग्वेदिक काल में जो राजा होता था वो एक दर्जन रत्नियों को घर जाता था, उसमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थीं। तो ये बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बस इतना मैं आपको बता सकता हूं कि जो राजसूय यज्ञ होता था उसका जो जिक्र मिलता है वो मिलता है आपके यजुर्वेद में। ठीक है, उसका जिक्र कहाँ मिलता है, उसका जिक्र मिलता है आपके यजुर्वेद में। फिर आते हैं 74वें क्वेश्चन पे, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, किसकी वजह से, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने बिल लेके आए थे फ्री स्टडी का, वो किसने कैंसिल कर दिया था। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग। 1910 की बात है ये, 1910 की बात है, और उस टाइम कौन था यहाँ गवर्नर, लॉर्ड हार्डिंग। फिर आते हैं आपके 75वें क्वेश्चन पे, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिया तरंग आंदोलन मणिपुर से प्रारंभ हुआ, तो इसका सही जवाब है सी, मणिपुर। फिर आते हैं 76वां क्वेश्चन, कर्ण वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कर्ण वंश के शासक दे रखे हैं, उसको उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सबसे पहले हो जाएगा वासुदेव, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका भूमिमित्र, और फिर तीसरे नंबर पे हो जाएगा नारायण, और चौथे नंबर पे हो जाएगा आपका सुश्रवण। तो इसका सही जवाब हुआ बी, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हुआ। इस तरीके से ये इनका ऑर्डर रहेगा। फिर आते हैं 77वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जैतपुर का विलय, सतारा का विजय, झांसी का विलय, नागपुर का विलय। तो इसको ऑर्डर में करें, सबसे पहले हुआ है सतारा का विलय 1848 में, सतारा फर्स्ट। फिर हुआ है आपका जैतपुर, जैतपुर आपका सेकंड। फिर हुआ है आपका झांसी 53 में, झांसी थर्ड, और फोर्थ हुआ है नागपुर, नागपुर फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ है, तो इसका सही जवाब हो गया आपका बी। ठीक, फिर आते हैं आप 78th क्वेश्चन पे, प्रसिद्ध वैद्य बाघ भट्ट की रचना किसके द्वारा की गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अष्टांग संग्रह इनकी बुक थी। ठीक है, फिर आते हैं 79th क्वेश्चन पे, 79th क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो हम पढ़ लेते हैं अभी। 79th क्वेश्चन आपका है, गुप्तकालीन बेवर पांडुलिपि संबंधित है, गुप्तकालीन बेवर पांडुलिपि किससे संबंधित है, वो है आपके आयुर्वेद से। ठीक है, जो बेवर पांडुलिपि है वो किससे होगी, वो होगी आयुर्वेद से। फिर आते हैं आपके 80वें क्वेश्चन पे, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है, इस कथन में प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कई बार पूछा भी गया है, और कावेरी डेल्टा इसका आंसर होगा। फिर आते हैं 81 क्वेश्चन पे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया। तो इसका जवाब होगा आपका सी, आपका जयचंद को हराया, और जयचंद को हरा के उसने बनारस पर अधिकार किया। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई, जो रॉयल असेंटमेंट मिला ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उसे कब मिला। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 18 जुलाई 1947 को, ए इसका ऑप्शन सही होगा। 83 क्वेश्चन जो है आपका, 83 क्वेश्चन को अभी हम रोक देते हैं, इसका सही जवाब मिलते ही आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। फिर आते हैं 84वीं क्वेश्चन पे, 1822 में महाराजा रणजीत सिंह के आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज ए खास का गठन किसने किया। तो
तो फौजे खास वो एक एडवांस मिलिट्री थी जिसको महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में बनाया गया था, और उसके जो कमांडर थे उनका नाम था आपका वेंचुरा ऑलैंड, ठीक है, वेंचुरा और ऑलैंड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर आते हैं आप 85 क्वेश्चन पे। 30 मई 1863 में रॉबर्ट ब्रॉसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम के किस पौराणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो इसका जो आंसर है वो होगा हैंड अक्स, कुल्हाड़ी, हाथ वाली कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी को खोजा था, ठीक है। फिर आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, 86वें क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस के द्वारा किया गया था? कौन से अभिलेखों में, राजवंश के अभिलेखों में मिलता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 86वें का बी, ठीक है, 86वें का बी। शशानियों के अभिलेख में मिलता है, शशानियों में ईरानी भी कहा जाता है, पर्शियन भी कहा जाता है, तो शशानियों के अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले यूज किया गया था। फिर आते हैं 87वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? जो किसान सभा है यूपी की वो उसमें रिलेटेड नहीं थे। तो गौरी शंकर, इंद्र नारायण द्विवेदी, ब्रज किशोर, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें ब्रज किशोर आपके इसके मेंबर नहीं थे, बाकी के ये तीनों थे। फिर आते हैं 88वीं क्वेश्चन पर। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कुचकी नामक पद का प्रयोग किस चीज के लिए किया गया है? कुचकी शब्द का अभी प्रयोग नहीं मिल रहा है क्योंकि कुचकी एक नाटकों में यूज होने वाला शब्द है, अभी उस चीज का सही एग्जैक्ट मीन में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये राजकीय कवि के लिए भी हो सकता है और अंगरक्षक दलों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि एक पहनावे के लिए भी कहा जाता है, तो इसको अभी हम रोक लेते हैं। फिर आते हैं 89th क्वेश्चन पे। स्कंदगुप्त के कोहम अभिलेख में निम्नलिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो इसका सही जवाब होगा काकुम, काकुम इसकी सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसको पैंठ भी कहा जाता था, ठीक है, पैंठ इसकी सबसे छोटी इकाई होती थी। फिर आते हैं मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे? तो दाखली आपके वो सिपाही थे जो मनसबदारों के अधीन रहते थे और एक तरीके से पूरक सिपाही होते थे, है ना, मनसबदारों के पूरक सिपाही होते थे, ना कि स्थायी सिपाही, पूरक सिपाही होते थे। इसका सही आंसर होगा ए, पूरक सिपाहियों को दाखली कहा जाता था, और अहदी जो होते थे वो होते थे प्रतिष्ठित सिपाही, अहदी होते थे बी ऑप्शन वाले प्रतिष्ठित, और पूरक सिपाही होते थे दाखली, ठीक है। फिर आते हैं 91 क्वेश्चन पर। फिर कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, उसके कथनों पर विचार करें। पहला, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। सही बात है एकदम। फिर दूसरी बात बोल रहे हैं, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, यह भी सही बात है। एकमात्र अध्यक्ष करने वाला यह अधिवेशन था, किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आते हैं 92 क्वेश्चन पे। भारत के हनाल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था? इसका 92 का आंसर हो जाएगा आपका, 92 का हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली और लखनऊ से प्रकाशित किया जाता था भारत में हनाल्ड। और ये नेशनल हनाल्ड किसके द्वारा किया जाता था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, दिल्ली और लखनऊ से किया जाता था, इंग्लिश में छपता था यह अखबार। फिर आते हैं आपके 93 क्वेश्चन पर। ना तो भारत के भूतकाल पर आंख मूंद कर निर्भर रहा जाए और ना ही पश्चिम का अनुधुंध का अनुसरण किया जाए, विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत के सर्वोच्चतम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए, ये विचार किसका था? तो ये विचार था राजा राममोहन राय का। वही एक व्यक्ति ऐसे थे जो कि पश्चिम की स्टडी को और पूर्व की स्टडी को दोनों को मिला के पढ़ने की बात कहते थे। 94th क्वेश्चन है। परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? तो
पदमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल के दौरान पदमार्थ का जन्म उज्जैन में हुआ था, मालवा रीजन में पदमार्थ का जन्म हुआ था। फिर 95th क्वेश्चन है, किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले जो स्मृति लिखने वाले राइटर हैं उन्होंने थे, वो आपके थे नारद और मनु। ठीक है, वो थे आपके नारद और मनु, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 96, प्रारंभिक बुद्ध धर्म की स्त्रियों की स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके बारे में बताइए। पहला, स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति की संभव थी, यस एकदम होती थी। भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण, तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये होता भी था और नहीं भी होता था, ये बहुत डिस्प्यूटेड है। कई जगह पे आपको मिलेगा कि हाँ एक अलग जगह पे रहते थे, अलग पृथक मठ होता था, और एक जगह पे मिलेगा कि वो उन्हीं के साथ रहते थे। ठीक है, तो इसका अभी जवाब हम मानेंगे ऑप्शन सी। फिर आते हैं आपके 97th क्वेश्चन पे, 1927 में नियुक्त हरकोर्ट बटलर समिति की अनुशंसा की थी। हरकोर्ट बटलर जो समिति थी उसने किस चीज की अनुशंसा की थी? तो उसका सवाल जवाब हो जाएगा ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण। आपकी जो हरकोर्ट बटलर समिति थी उसने ये कहा था। फिर आते हैं 98th क्वेश्चन पे, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला, प्रारंभ में लाला लाजपत राय ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे, नहीं ये बात नहीं है। जब वो छोड़ रहे थे असहयोग आंदोलन तो वो विरोध में खड़े हुए थे, बल्कि लाला लाजपत राय पंजाब से उसका नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी बात, जमुना दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की, नहीं लाला लाजपत राय ने नहीं की है, वो की है मोतीलाल और चितरंजन दास जी ने, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर आते हैं आपके 99th क्वेश्चन पे, बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर बताई गई है? ठीक है, 99th क्वेश्चन, 483 में जो कहा गया है वो किस बुक के हिसाब से? तो उसका आंसर हो जाएगा दीपवंश। ठीक है, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और दीपवंश के हिसाब से ही ये बताया गया है। फिर 100वां क्वेश्चन है, प्राचीन नगर राजगृह के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार थे उसके महागोविंद, जो बिंबसार के टाइम में रहते थे। तो इसका सही जवाब है आपका बी, महागोविंद होगा इसका आंसर। फिर आते हैं 101, निजामुद्दीन जुनैदी वजीर किसके थे? निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, किसके टाइम में निजामुद्दीन जुनैदी वजीर थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो थे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के वजीर थे निजामुद्दीन जुनैदी। ठीक है, फिर आते हैं 102 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौशल नरेश प्रसन्नजीत का मंत्री नहीं थे। अब ये बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चन हो गया है, इसको अभी आंसर नहीं दिया जाएगा, ये कमेंट में दिया जाएगा, अभी इसका आंसर नहीं मिला है हम लोगों को। फिर आते हैं 103, कौन सूफी संत सांस की योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि उन्हें योगी उनको सिद्ध कहते थे? तो इसका जवाब है निजामुद्दीन औलिया का दूसरा नाम सिद्ध बाबा था और उनको निजामुद्दीन औलिया को ही सिद्धि कहा जाता था। फिर आते हैं आपके 104 पे, पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया था? तो इसका सही जवाब है विधवा पुनर्विवाह पे पतदाम लगाया जाता था, पतदाम कर लगाया जाता था। ठीक है, फिर आते हैं 105 क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? तो इसका जवाब है भास्कर वर्मन। ठीक, फिर आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का वर्णन महावंश टीका में प्रस्तुत किया गया है, ना कि दीपवंश में। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका जो क्वेश्चन है, जौनपुर के सरकी वंश का, जो सरकी वंश है जौनपुर का, वहां का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, हुसैन शाह इसका लास्ट शासक था, और पहला शासक जिसका जो संस्थापक था वो था मलिक उस सर्क। ठीक है, उसी के नाम पर सरकी वंश बना। फिर आते हैं 108वें क्वेश्चन पे, सर कॉलिन स्टॉक मोनक्रीफ आयोग नियुक्त किया गया था किसकी चीज के लिए? तो इसका सही जवाब होगा सरकारी वित्त सुधार हेतु भू राजस्व का पुनः निर्धारण करने के लिए। ठीक है, ये सरकारी वित्त सुधार लाने के लिए किया गया था। फिर आप, और ये डफरिन के टाइम में हुआ था 1886 में। ठीक है, फिर आते हैं 109वें क्वेश्चन पे,
निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है पूछा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ख्वाजा अब्दुल समद जहांगीर के टाइम के नहीं थे, वो थे अकबर के टाइम के। ठीक है, फिर 110वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य नहीं थे? इसमें पूछा है नहीं थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, राम मनोहर लोहिया उसके संस्थापक सदस्य नहीं थे, उनकी दूसरी पार्टी थी प्रजा समाजवादी पार्टी, वो उनकी पार्टी थी, इसमें मीनू मसानी, नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये उनके संस्थापक सदस्य थे। फिर आते हैं आपके 111वें क्वेश्चन पर, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था? फवाजिल क्या शब्द होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि होती थी। फिर उसके बाद आपके अगले क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ। ठीक है, तो रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ ये बात सही है, लेकिन जो वल्लभाचार्य का जन्म है वाराणसी में नहीं हुआ है, उनका जन्म हुआ है आपके छत्तीसगढ़ में, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। फिर आता है, रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जातियों के संप्रदाय के थे, तो ये एकदम सही जवाब है कि इसमें उनके कई शिष्य ऐसे थे जो अलग अलग जातियों से रिलेट करते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मात्र 2 सही। ठीक है, फिर आते हैं आपके 113वें क्वेश्चन पे, महापाषाण काल पूरा स्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो दमदमा आपके यूपी में पड़ता है और इसको इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, वहां के टीचर्स और वहां के स्टूडेंट्स के द्वारा, तो इसमें AK शर्मा जी थे, तो इसका AK शर्मा बी ऑप्शन मिलता है, तो DR शाह और AK शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। फिर 114वां क्वेश्चन, किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं? तो आपको पता होगा आदि ग्रंथ 5वें गुरु के द्वारा अर्जुन देव जी के द्वारा लिखा गया था, उसमें आपके किस गुरु की बात कही गई है? तो वो कही गई है आपके फरुद्दीन गजशंकर, गजशंकर जी की कुछ पंक्तियां आपके आदि ग्रंथ में भी लिखी गई हैं। फिर आते हैं आपके 115वें क्वेश्चन पर, किस कालावधि में कलहण की राजतरंगिणी लिखी गई? कलहण की जो राजतरंगिणी है वो आपको पता होगा, कलहण कश्मीरी ब्राह्मण थे और उन्होंने जो बुक लिखी वो लिखी थी आपकी 1148 से 1150 के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर आते हैं आपके 116वें क्वेश्चन पर, इतावली यात्री पेस, जो आपका पेस था वो जो इटालियन यात्री था, पुर्तगाली भी कहा जाता है उसको, वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है, परंतु एकाएक क्रोध के दौरान का शिकार हो जाता है, उक्त व्यक्तंत विजयनगर के किस शासक से संबंधित है? तो इसका एकदम सही जवाब है कृष्णदेव राय। ठीक है, पायस ने ही कहा था कि कृष्णदेव राय एकदम क्रोधित हो जाते हैं और उसका वो शिकार हो जाते हैं। फिर 117वां क्वेश्चन है, किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकत खां का विद्रोह हुआ? अकत खां का विद्रोह कौन से शासक के टाइम पीरियड में हुआ? तो इसका सही जवाब है आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि अकत खान अलाउद्दीन खिलजी का ही भतीजा था और उसी ने उसके खिलाफ विद्रोह किया था। फिर आते हैं आपके 118वें क्वेश्चन पे, सोनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? सोनक और पेपलाद आपके अथर्ववेद की शाखाएं हैं और अथर्ववेद में पहले 9 शाखाएं होती थी, जो कि आज मात्र 2 ही बची हैं, सोनक और पेपलाद, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर आते हैं आपके 119वें क्वेश्चन पे, मेगस्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? तो इंडिका में आप सबको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पूर्णता जानकारी मिलती है, लेकिन जो दक्षिण भारत का राजवंश है उसमें पांड्य के बारे में जानकारी मिलती है, और ये कहा जाता है पांड्य के बारे में कि जो हराक्लीस की पुत्री पांड्या थी उसने उसका शासन स्थापना की थी और वो मात्र सत्तात्मक एरिया था। ठीक है, तो पांड्य के बारे में मेगस्थनीज की बुक में जानकारी मिलती है। फिर आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे, 120 वाले पे, 6 शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद था, तो इसका जो जवाब है वो है अश्मक। अश्मक आपका दक्षिणीतम महाजनपद था, क्योंकि आप जानते हैं अश्मक इस एरिया में पड़ता है, तो ये सबसे दक्षिणी भाग में मिलता था।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे जवाब मिल गए होंगे, जो कि हमारे 5-6 आंसर जो नहीं मिले हैं उसको आप या हम लोग दोनों मिलके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और आपको हमारी दूसरी क्लासेस UPSI वगैरह के बैचेस का लिंक आपको क्लास में एंड में मिल जाएगा, और आप सारे के सारे खुश रहें। उम्मीद करता हूँ आपके पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए, थैंक यू।